नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट विथ हाइजीनिक किचन, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, कुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। कोरोना संकट काल में घर बैठे करिए पढ़ाई डिजिटल तरीके से, वह भी लाइव क्लास के द्वारा। डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह। आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर, टावर चौक, दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार का तबादला। अशोक कुमार प्रसाद बने दरभंगा के नए सिटी एसपी। योगेंद्र कुमार को मधेपुरा पुलिस की मिली कप्तानी। सीईटी बीएड की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण संपन्न। 10 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर 94,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। सीएम साइंस कॉलेज भी पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए लगातार हो रही बुकिंग। प्रतिदिन 3 विमान उड़ेंगे, 3 की होगी लैंडिंग। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे स्कूल। एक सप्ताह में एक बच्चा सिर्फ 2 दिन ही जा पाएगा विद्यालय। बिहार में कोरोना के 1,609 नए मरीज, आंकड़ा 1,71,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 14,770। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के पार। इनमें 2,750 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। पंजीयन व परीक्षा वेदन की तिथि घोषित। फॉर्म भरने के लिए अमूमन 1 सप्ताह का समय। संस्कृत विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए कसी कमर। मास्क चेकिंग अभियान जारी। 15,000 से अधिक लोगों को किया गया जुर्माना। मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से लगातार किया जा रहा जागरूक। और 23,549 छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार का हुआ तबादला। अशोक कुमार प्रसाद बने दरभंगा के नए सिटी एसपी। योगेंद्र कुमार को मधेपुरा पुलिस की मिली कप्तानी। दरभंगा के सिटी एसपी का तबादला, बनाए गए मधेपुरा के पुलिस कप्तान। बिहार में 3 आईपीएस का तबादला। पटना से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 3 आईपीएस का तबादला किया गया है। जानकारी के मुताबिक मधेपुरा दरभंगा के एसपी का तबादला हुआ है। गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार को मधेपुरा का एसपी बनाया गया है, जबकि संजय कुमार को आरक्षी अधीक्षक मधेपुरा से स्थानांतरित कर पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अवर सेवा बनाया गया है। योगेंद्र कुमार दरभंगा के सिटी एसपी को एसपी मधेपुरा बनाया गया है। अशोक कुमार पुलिस अधीक्षक बिहार पुलिस अवर सेवा से दरभंगा के नगर एसपी बनाए गए हैं। तो दरभंगा के सिटी एसपी होंगे अशोक कुमार। वर्तमान सिटी एसपी योगेंद्र कुमार बने मधेपुरा के पुलिस कप्तान। सीईटी बीएड की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण संपन्न। 10 शहरों के विभिन्न केंद्रों पर 94,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। सीईटी बीएड 2020 की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालित हुई। सीईटी बीएड 2020 की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण संचालित हुई। कुल 10 शहरों में 278 केंद्र निर्धारित किए गए थे। परीक्षार्थियों की कुल संख्या 1,22,331 थी। इनमें कुल 94,673 छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, यानी कुल 77.39% उपस्थिति रही। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संचालित होने पर मिथिला विश्वविद्यालय, जो नोडल विश्वविद्यालय भी है, इसके कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस परीक्षा संचालन से जुड़े सभी लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने राज्य नोडल पदाधिकारी, सहभागी विश्वविद्यालयों के नोडल पदाधिकारियों, सभी शहरों के पर्यवेक्षकों, सभी केंद्राधीक्षकों, केंद्र पर्यवेक्षकों, उड़न दस्ता दलों के सदस्यों एवं सभी जिला के जिला प्रशासन पदाधिकारियों, खासकर जिला समाहर्ता एवं उनकी टीम को धन्यवाद दिया है। उन्होंने राजभवन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी शहरों में राजभवन द्वारा नियुक्त सभी पर्यवेक्षकों को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने
परीक्षा के संचालन में महती भूमिका अदा की है तथा कल से ही यहां पर परीक्षा संचालन की देखरेख में लगे हुए थे। नोडल विश्वविद्यालय सहित राज्य के सभी सहभागी विश्वविद्यालय के कुलपतियों, कुलसचिवों एवं अन्य पदाधिकारियों को भी धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि मिथिला की संस्कृति बहुत ही समृद्ध एवं प्राचीन है। देखिए, इसके लिए हमारी पूरी टीम जनवरी फरवरी से ही कार्यरत हैं हम लोग। पहले यह परीक्षा 29 मार्च को होनी थी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदन भी प्राप्त था, लेकिन कोविड-19 के कारण हम लोगों ने परीक्षा नहीं ले सकी। तदुपरांत फिर 14 जून को परीक्षा तिथि निर्धारित की गई, पुनः 19 जुलाई को निर्धारित की गई, लेकिन स्थिति सामान्य नहीं होने के कारण बार बार परीक्षा को स्थगित करना पड़ा। आज हम लोग इस परीक्षा को लेने में सफल रहे। मैं आपके माध्यम से इस परीक्षा कार्य में लगे तमाम पदाधिकारियों, तमाम कर्मचारियों, शिक्षकों, वीक्षकों और अपने पत्रकार भाइयों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्हीं लोगों के सहयोग से यह परीक्षा हमारा संपन्न हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण, पहुंचे सीएम साइंस कॉलेज भी। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का किया निरीक्षण। सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में भी बीएड पात्रता परीक्षा का उन्होंने लिया जायजा। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए लगातार हो रही बुकिंग, प्रतिदिन 3 विमान यहां से उड़ेंगे, 3 की होगी लैंडिंग। जैसे कि हम आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि दरभंगा से हवाई सेवा 8 नवंबर से शुरू हो रही है। हवाई जहाज 8 नवंबर से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरेंगे और दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। दरभंगा से हवाई सेवा 8 नवंबर से शुरू हो रही है और टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है कल से ही। और ऐसे में आइए यह जान लेते हैं कि कहां पहुंचने में कितना वक्त लगेगा और विमानों का टाइम टेबल क्या होगा। 2.25 घंटे में दरभंगा से दिल्ली का सफर तय कर सकेंगे लोग एरोप्लेन से, और मुंबई और बेंगलुरु के लिए 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। 2.25 घंटे में दरभंगा से दिल्ली का सफर तय होगा और मुंबई एवं बेंगलुरु के लिए 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। जो विमान है उनका शुरुआती किराया सभी रूटों पर 3,799 रखा गया है, लेकिन मांग के अनुसार किराए की कीमत में अन्य एयरपोर्ट की तरह यहां भी बदलाव हो सकता है, यह घट और बढ़ सकता है। अब यह जान लेते हैं कि किस विमान की टाइमिंग क्या होगी। विमान संख्या SG705 मुंबई से उड़ेगी और दरभंगा लैंड करेगी। इसके उड़ने का समय सुबह 9:40 पर मुंबई से होगा और दरभंगा यह दोपहर 12:10 पर पहुंचेगा। SG706 यह दरभंगा से उड़कर मुंबई तक जाएगा। दोपहर 12:40 पर यह दरभंगा से उड़ान भरेगा और 3:10 दोपहर में यह मुंबई पहुंचेगा। SG493 बेंगलुरु से उड़ेगा यह और दरभंगा पहुंचेगा। बेंगलुरु से इसके उड़ने का समय सुबह 8:45 होगा और दरभंगा यह 11:15 पर सुबह में लैंड करेगा। विमान संख्या SG494 यह दरभंगा से उड़ेगा और बेंगलुरु पहुंचेगा। दरभंगा से इसके उड़ने का वक्त दोपहर बाद 4:25 है और यह बेंगलुरु में लैंड करेगा संध्या 6:55 पर। विमान संख्या SG496 दरभंगा से उड़ेगा और यह दिल्ली पहुंचेगा। दरभंगा से उड़ने का इसका वक्त 11:45 पूर्वाहन में यानी सुबह में होगा और दोपहर 1:30 यह दिल्ली में लैंड करेगा। विमान संख्या SG495 यह दिल्ली से उड़कर दरभंगा पहुंचेगा। दिल्ली में दोपहर 2:10 पर यह उड़ान भरेगा और दोपहर 3:55 पर यह दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। तो यह जो 6 विमान हैं यह सप्ताह के 7 दिन चलेंगे और इनका शुरुआती किराया हर रूट के लिए 3,799 रखा गया है, यानी हर दिन यहां से 3 हवाई जहाज उड़ेंगे और 3 लैंड करेंगे। फिलहाल दरभंगा से मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु के लिए रोज विमान उड़ाए जाएंगे। जो पहला प्लेन है यहाँ से दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला वह दिल्ली के लिए उड़ान भरेगा और दरभंगा एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला पहला विमान बेंगलुरु से आएगा। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे स्कूल। एक सप्ताह में एक विद्यार्थी सिर्फ 2 ही दिन जा सकेगा विद्यालय। बिहार सरकार का बड़ा फैसला,
28 सितंबर से राज्य भर में खुलेंगे सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, लेकिन फिलहाल 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही जा सकेंगे विद्यालय। एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही जा सकेगा स्कूल। 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ही आएंगे स्कूल। निजी और सरकारी दोनों विद्यालयों पर लागू होगा निर्णय। कोरोना महामारी को लेकर बंद किए गए बिहार के स्कूल फिर से खुलने के लिए तैयार हैं। बिहार सरकार ने 28 सितंबर से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के तहत सप्ताह में बच्चों को 2 ही दिन स्कूल आना होगा। इस दौरान 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ भी स्कूल में आएंगे। सरकार का यह आदेश निजी और सरकारी दोनों स्कूलों के लिए लागू किया गया है। इस फैसले के तहत 30% बच्चे ही रोज स्कूल आ सकेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चे ही विद्यालय में अध्यापन कार्य कर सकेंगे। स्कूलों को खोलने को लेकर जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है, उस आदेश के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक का एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन स्कूल जा सकता है। बिहार सरकार के इस फैसले के तहत केंद्र सरकार की ओर से जारी SOP का पालन करते हुए स्कूल जाने की अनुमति होगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक 4 में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी। स्कूल जाने वाले छात्रों और शिक्षकों को जिन गाइडलाइन का पालन करना होगा, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रैक्टिकल क्लास भी अभी नहीं होंगे। स्कूल में बच्चों को मास्क लगाकर ही रहना होगा, साथ ही सैनिटाइजर को भी साथ में रखना होगा। स्कूल प्रबंधन द्वारा भी कोरोना को देखते हुए कई तरह के एहतियात बरते जाएंगे, जिनमें साफ सफाई से लेकर ऑक्सीजन लेवल जांचने के लिए ऑक्सीमीटर तक की व्यवस्था होगी। बता दें आपको कि पिछले मार्च से ही बिहार में स्कूल कॉलेज समेत सभी शैक्षणिक संस्थान बंद है। मंगलवार को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने एक अहम बैठक बुलाई थी और इसी बैठक में सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तो फिलहाल 9वीं से 12वीं तक के स्कूल बिहार में 28 सितंबर से खुलेंगे। एक बच्चा सप्ताह में सिर्फ 2 ही दिन जा सकेगा स्कूल। बिहार में कोरोना के 1609 नए मरीज, आंकड़ा 1,71,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 14,770। बिहार में कोरोना के 1609 नए मरीज, आंकड़ा 1,71,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस की संख्या 14,770। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट में पटना में सबसे अधिक 204, अररिया में 76, अरवल में 9, औरंगाबाद में 25, बांका में 28, बेगूसराय में 51, भागलपुर में 26, भोजपुर में 17, बक्सर में 31, दरभंगा में 31, पूर्वी चंपारण में 49, गया में 28, गोपालगंज में 42, जमुई में 31, जहानाबाद में 22, कैमूर में 17, कटिहार में 42, खगड़िया में 9, किशनगंज में 29, लखीसराय में 22, मधेपुरा में 49, मधुबनी में 44, मुंगेर में 33, मुजफ्फरपुर में 110, नालंदा में 59, नवादा में 22, पूर्णिया में 118, रोहतास में 135, सहरसा में 13, समस्तीपुर में 19, सारण में 38, शेखपुरा में 21, शिवहर में 10, सीतामढ़ी में 8, सीवान में 27, सुपौल में 51, वैशाली में 21 और पश्चिम चंपारण में 42 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बिहार में बढ़ रहा है। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के पार। इनमें 2,750 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। दरभंगा में कोरोना के 31 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के पार पहुंची। इनमें 2,750 से अधिक लोगों ने कोरोना को परास्त किया, हो गए स्वस्थ। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है और इस कारण दरभंगा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,000 के पार चला गया है। हालांकि इनमें से 2,750 से अधिक लोगों ने कोरोना को परास्त किया, स्वस्थ हुए। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल, दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किसना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज, आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त, हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ, चांदनी कॉम्प्लेक्स मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1,500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक ऑफिस शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835
8786। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS। रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब। वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। कंप्लीट स्कूल कैंपस इज अंडर CCTV सर्विलांस। रेगुलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेरेंट्स थ्रू SMS अलर्ट सिस्टम। एम्फेसिस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट। नो री एडमिशन चार्जेज फॉर ओल्ड स्टूडेंट्स। 5 acres environment friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details dial 7763819774। होंडा की गाड़ियां अब आपके बेहद करीब। अलमास होंडा, पाली बाजार, पुनहद रोड, घनश्यामपुर, दरभंगा। सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर। महाधमा का ऑफर, CD 110 की खरीद पर एसेसरीज फ्री। हर गाड़ी पर हेलमेट मुफ्त। बेहतरीन अत्याधुनिक सर्विस सेंटर। फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध। महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार अपना आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के सिटी SP योगेंद्र कुमार का तबादला। अशोक कुमार प्रसाद बने दरभंगा के नए CT SP। योगेंद्र कुमार को मधेपुरा पुलिस की मिली कप्तानी। CET BEd की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण संपन्न। 10 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर 94,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। CM साइंस कॉलेज भी पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए लगातार हो रही बुकिंग। प्रतिदिन 3 विमान उड़ेंगे, 3 की होगी लैंडिंग। बिहार सरकार का बड़ा फैसला। 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे स्कूल। एक सप्ताह में एक बच्चा सिर्फ 2 दिन ही जा पाएगा विद्यालय। बिहार में कोरोना के 1609 नए मरीज। आंकड़ा 1,71,000 के पार पहुंचा। टोटल एक्टिव केस 14,770। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के पार। इनमें 2,750 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। पंजीयन व परीक्षा वेदन की तिथि घोषित। फॉर्म भरने के लिए अमूमन 1 सप्ताह का समय। संस्कृत विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए कसी कमर। मास्क चेकिंग अभियान जारी। 15,000 से अधिक लोगों को किया गया जुर्माना। मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से लगातार किया जा रहा जागरूक। और 23,549 छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। पंजीयन व परीक्षा वेदन की तिथि घोषित। फॉर्म भरने के लिए अमूमन 1 सप्ताह का समय। संस्कृत विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए कसी कमर। पंजीयन व परीक्षा वेदन की तिथि घोषित। फॉर्म भरने के लिए अमूमन 1 सप्ताह का समय। संस्कृत विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए कसी कमर। नवनियुक्त कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा के 2 दिन पहले दिए विशेष निर्देश के आलोक में संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने पंजीयन, परीक्षा वेदन और अनुमति प्रस्ताव को लेकर व्यापक तैयारी करते हुए इसके लिए तिथियों की घोषणा कर दी है। इन कार्यों के लिए अमूमन 1 सप्ताह का समय दिया गया है। शास्त्री प्रथम खंड 2019-2022 को छोड़कर सारे फॉर्म ऑफलाइन लिए जाएंगे। जारी सूचना के अनुसार उपशास्त्री 2018-2020 का फॉर्म 25 से 27 सितंबर तक निर्दंड, 28 से 29 तक सामान्य दंड एवं 30 से पहली अक्टूबर तक विशेष दंड के साथ भरा जाएगा। इसी तरह शास्त्री प्रथम खंड सामान्य व प्रतिष्ठा सत्र 2019-2022 का परीक्षा आवेदन 27 से 29 सितंबर तक निर्दंड, 30 से पहली अक्टूबर तक सामान्य दंड एवं 3 से 5 अक्टूबर तक विशेष दंड के साथ लिया जाएगा। मास्क चेकिंग लगातार जारी है। 15,000 से अधिक लोगों को अब तक किया जा चुका है जुर्माना। मास्क पहनिए क्योंकि कोरोना से बचाव का यही एकमात्र सबसे सटीक तरीका। मास्क चेकिंग में 15,008 लोगों को किया गया जुर्माना। कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। बहेड़ा थाना बेनीपुर ने सर्वाधिक 1,728 व्यक्तियों से की जुर्माने की वसूली। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार पटना के द्वारा कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ने की सूचना देते हुए सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का 100% व्यक्तियों द्वारा उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु निर्गत आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन SM द्वारा 4 सितंबर से जिले में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क के उपयोग की जानकारी
करने एवं उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने हेतु सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाने का निर्देश दिया है। उक्त आलोक में जिला स्तर पर एक मास्क इन्फोर्समेंट सेल का गठन किया गया है, जिसकी दूरभाष संख्या 0627224505 है। जिला क्षेत्र में मास्क और वाहन की जांच हेतु निम्न प्रकार से जिलाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई, जिनके द्वारा वाहन एवं मास्क की जांच की जा रही है। मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से लगातार किया जा रहा है जागरूक। जीविका दीदियां निभा रही हैं महत्वपूर्ण रोल, कभी शपथ ग्रहण का आयोजन कर तो कभी मेहंदी रचा कर लोगों को मतदान के प्रति किया जा रहा है जागरूक। मतदाताओं को लगातार किया जा रहा है जागरूक। जीविका दीदियां शपथ ग्रहण एवं अन्य माध्यमों के जरिए मतदाताओं को कर रही हैं जागरूक। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं और इनमें सबसे अहम मतदाताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। जीविका दीदियां विभिन्न जगहों पर शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कर और इसके साथ मेहंदी रचाकर भी लोगों को मतदाताओं को जागरूक कर रही हैं। 23,549 छूटे हुए मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। 23,549 छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़ेंगे। 13 एवं 20 सितंबर के विशेष कैंप में मिले हैं आवेदन। 11,136 महिलाओं ने दिए आवेदन। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा जिले के छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 13 सितंबर एवं 20 सितंबर को विशेष कैंप का आयोजन करवाया गया। साथ ही 14 सितंबर से 19 सितंबर तक सभी मतदान केंद्रों के बीएलओ को घर घर भ्रमण कर छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का आदेश दिया गया था। जिला निर्वाचन शाखा द्वारा बताया गया है कि इस दौरान सबसे ज्यादा जिले के छूटे हुए महिला मतदाताओं द्वारा कुल 11,136 आवेदन प्रपत्र 6 में प्राप्त हुए हैं। छूटे हुए सामान्य मतदाताओं के 7,223 आवेदन, प्रवासी मजदूरों के 1,671 एवं 18-19 आयु वर्ग के नए मतदाताओं के 3,519 आवेदन इस नाम जोड़ने हेतु प्राप्त किए गए हैं। इन दोनों कैंप में जिले के 23,549 छूटे हुए मतदाताओं से मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु प्रपत्र 6 में आवेदन प्राप्त किए गए हैं। 13 सितंबर को आयोजित पहले कैंप में 7,185 तथा 20 सितंबर को आयोजित दूसरे कैंप में 16,364 आवेदन छूटे हुए मतदाताओं ने दिया है। इससे स्पष्ट है कि इन दो कैंप के माध्यम से जिले के छूटे हुए मतदाताओं में अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने हेतु धीरे धीरे जागरूकता बढ़ी है। मारवाड़ी कॉलेज में शुरू हो सकती है एनसीसी की कक्षाएं, दल ने किया है निरीक्षण। मारवाड़ी महाविद्यालय परिसर में 8 बटालियन एनसीसी बिहार दरभंगा की ओर से 2 सदस्यीय टीम निरीक्षण हेतु पहुंची। महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त द्वारा महाविद्यालय में एनसीसी को पुनर्जीवित करने हेतु 8 बटालियन एनसीसी बिहार दरभंगा को आवेदन दिया गया था, जिसके क्रम में आज महाविद्यालय में निरीक्षण दल भेजा गया था। इस दल में सूबेदार जहान सिंह एवं NAIV सूबेदार इंद्रजीत सिंह, 8 एनसीसी बटालियन बिहार शामिल थे। ये पदाधिकारीगण महाविद्यालय के एनसीसी ऑफिस, परेड स्थल एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं से पूर्ण रूप से संतुष्ट दिखे और आशा व्यक्त किया गया कि बहुत जल्द ही इस महाविद्यालय में एनसीसी की इकाई प्रारंभ हो जाएगी। निरीक्षण दल को कॉलेज के प्रधानाचार्य के अतिरिक्त उपस्थित कर्मी डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा, आमोद नारायण सिंह, विमल कुमार, योगेश्वर आनंद शंकर एवं अभिव्रत वर्मा आदि ने सहयोग किया। मैं सर 8 बिहार बटालियन एनसीसी से सुविधा जान सिंह, मैं यहाँ पे आपका एक एप्लीकेशन गया है एनसीसी के लिए, तो मैं निरीक्षण के लिए यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे 2018 से पहले एनसीसी थी, तो यहाँ पे स्टोरेज है, ग्राउंड है, उसके बाद में शॉर्ट रेंज है, ऑफिस है, कोई सब सेट है यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस आपका जारी रहेगा सर, इसके लिए प्रयास है पूरा, इस सत्र से शुरू हो जाएगा। और ड्यू बॉल डे पर इसके विस्तारीकरण की हुई अपील। पिछले दिनों मनाया गया वर्ल्ड ड्यू बॉल डे। हर साल 20 सितंबर को यह दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर 2013 को इस खेल का जन्म हुआ था। यह खेल आज विश्व के लगभग 25 देशों में खेला जा रहा है। भारत के लगभग सभी राज्यों में यह खेल आयोजित हो रहा है। इस अवसर पर ड्यूबॉल एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव परमेश्वर झा ने सबको बधाई दी और साथ ही इस खेल को और बड़े स्तर तक ले जाने की अपील की। ये अब तक के समाचार, विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा के सिटी एसपी योगेंद्र कुमार का तबादला। अशोक कुमार प्रसाद बने दरभंगा के नए सिटी एसपी। योगेंद्र कुमार को मधेपुरा पुलिस की मिली कप्तानी। सीईटी बीएड की परीक्षा पूरे राज्य में शांतिपूर्ण सम्पन्न।
10 शहरों में विभिन्न केंद्रों पर 94,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने लिखे पेपर। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने किया विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण, सीएम साइंस कॉलेज भी पहुंचे। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान के लिए लगातार हो रही बुकिंग, प्रतिदिन 3 विमान उड़ेंगे, 3 की होगी लैंडिंग। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, 28 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के लिए खुलेंगे स्कूल, एक सप्ताह में एक बच्चा सिर्फ 2 दिन ही जा पाएगा विद्यालय। बिहार में कोरोना के 1609 नए मरीज, आंकड़ा 1,71,000 के पार पहुंचा, टोटल एक्टिव केस 14,770। दरभंगा में 31 नए पॉजिटिव केस, संख्या 3,000 के पार, इनमें 2,750 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। पंजीयन व परीक्षा वेदन की तिथि घोषित, फॉर्म भरने के लिए अमूमन एक सप्ताह का समय, संस्कृत विश्वविद्यालय ने परीक्षाओं के लिए कसी कमर। मास्क चेकिंग अभियान जारी, 15,000 से अधिक लोगों को किया गया जुर्माना। मतदाताओं को विभिन्न माध्यमों से लगातार किया जा रहा जागरूक। और 23,549 छूटे हुए मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे। ये थी अभी तक की खबरें, इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।